सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, आप लोगों का स्वागत है एक नई वीडियो में। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो अपलोड किया था आर्क सर्वाइवल के हैक फाइल को, सोलो मोड को कैसे हैक करें वगैरह वगैरह, मैं उस वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं वीडियो को। और मैं फ़िलहाल ये आर्क की हैक मोड को ही खेल रहा हूँ। तो यहाँ पे चैलेंज है कि लेवल अप करना है, क्योंकि इसमें लेवल अप आपको खुद से करना पड़ेगा, या तो आप आइटम क्राफ्ट कर करके लेवल अप करिए, या फिर आप नोट्स खोज खोज के लेवल अप करिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है तो आप कितने तेज लेवल अप कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को लेवल अप करके दिखाऊंगा। यहाँ पे 50 लेवल तक जाऊँगा मैं, और इसी बीच में मैं जितने चीज़ दिखेंगी सारी चीज़ें करूँगा, जैसे कि टेमिंग, क्राफ्टिंग, उसके बाद बिल्डिंग, सब कुछ जितना मिलेगा सब करूंगा धीरे धीरे। तो यहाँ पे ये सब ऑप्शन देख रहे हैं, ये मोड एपीके के जो मेनू मोड होगा उसमें ये मिलेगा ऑप्शन। तो मैं यहाँ पे गॉड मोड एक्टिवेट कर लेता हूँ, ताकि अगर कोई डैमेज भी देगा तो डैमेज नहीं काउंट होगा। तो यहाँ पे मैंने एक पैराशूट ऑन कर रखा है, मतलब क्या कहते हैं वो जो डेली मिशन होते हैं उसका, मुझे हंट करने के लिए। तो यहाँ से इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। तो वीडियो को मैं फास्ट मोड में डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने वीडियो को फास्ट मोड में डाल दिया ताकि कम से कम टाइम लगे। फास्ट मोड में डालने के बाद जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेते हैं, देखते हैं इसके बाद कितना लेवल अप हम लोगों का होता है। इसमें खोजने में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि मोबाइल वाले प्लेयर जो होते हैं ना उसको जल्दी दिखता नहीं, इधर छोटे मोटे एक तो कैरेक्टर एकदम छोटा सा लगेगा, इसलिए दिक्कत होती है। और यहाँ पे एक मिल गया हमें, और हमारा एक कंप्लीट हो जाएगा। ये तीन और रह गए हैं, तो इसको जल्दी जल्दी खोज लेते हैं तीनों को। एक और दिख गया, इसको भी मार देते हैं, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब दो रह गए, दो नहीं एक ही रह गए हैं, तीन ही किल करने थे। तो यहाँ पे दो ऑलरेडी हो चुके हैं, एक और रह गया, उसको भी जल्दी से खोल लेते हैं। दरअसल जब आसपास होते हैं तो ये जो लेफ़्ट साइड में सर्च का होता है वो बफरिंग करता है, तो पता चल जाता है कि नहीं क्लोज में पूरा एकदम बिल्कुल। तो मुझे लगा यहाँ पे है, बट यहाँ पे नहीं है। ये कहाँ है ये दिखा, ये रहा लास्ट वन है, ये हमारा ये हो गया कंप्लीट। देखते हैं अभी कितना लेवल अप हुआ। ये हम लोगों को रिवॉर्ड में मिला है, काफ़ी इसका अच्छा डैमेज था, मैंने देखा करीब 288 डैमेज था, एक तरह से अच्छा ही था। देखते हैं कितना लेवल अप हुआ है, 11 था, मैं 4 लेवल अप हुआ है। तो इसको पूरा कर लेते हैं, हो गया ये हमारा पूरा। अब नोट्स खोजते हैं, अब यहाँ से हम लोग नोट्स खोजना स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला नोट्स ऑलमोस्ट सभी को पता होता है कि ये वाला नोट्स कहाँ मिलेगा, तो थोड़ा सा रनिंग करते हैं, रनिंग करने के बाद जल्दी पहुंच जाएंगे। ये रहा, ये ऑलमोस्ट सभी को पता रहता है कि कहाँ पे मिलेगा नोट्स। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने ये 6 गुना था एक्सपी ख़रीद रखी थी, एक्सपी 3 गुना गेन वाला, अब ये 6 गुना से 12 गुना हो गया। तो 12 गुना अब इसमें एक और मिल जाएगा नोट्स, तो बहुत ज़्यादा तेज लेवल फास्ट होगा। बट यहाँ पर मैंने कोशिश किया मगर मिला नहीं उस समय। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं वीडियो कट करूँगा, फिर उसके बाद देखूँगा कितना लेवल अप हुआ है। तो ऑल राइट, मैंने वीडियो कट कर दी थोड़ी सी। अब यहाँ पे देखिए फिर से 4 लेवल अप हुआ है हम लोगों का, 15 से 19 हो गया हमारा लेवल। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा भाग दौड़ करेंगे, क्योंकि अंधेरा होने वाला है। इसमें गॉड कंसोल मोड तो है नहीं कि हम लोग जल्दी से अंधेरे को फिर वापस कर लेंगे, सब मॉर्निंग हो जाएगा। तो हम लोगों को थोड़ा सा सेफ्टी रखते हुए थोड़ा इधर उधर भटकेंगे, फिर उसके बाद मॉर्निंग में फिर से स्टार्ट कर देंगे सब कुछ खोजना। तो फिलहाल यहाँ के लिए मैं थोड़ा सा वीडियो को स्पीड अप कर देता हूँ।
तो यहाँ पे मैंने वीडियो को थोड़ा सा स्पीड अप कर दिया, मैंने क्राफ्ट वगैरह कर लिया थोड़ा सा लेफ्ट वगैरह। अब यहाँ पे टार्च वगैरह ऑन कर लेता हूँ। ऑन करने के बाद यहाँ पे पानी में चलते हैं बीचों बीच, पहले टार्च वगैरह इधर उधर कर लूँ, चारों तरफ टॉर्च रख लूँ। ऑल राइट, तो हम लोग आ गए फिर से। अब मैंने वहाँ पे वीडियो थोड़ा सा कट कर दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था, और यहाँ ऑलमोस्ट सुबह होने वाली है। तो हम लोग शुरू करेंगे फिर से वही नोट्स खोजना। थोड़ा सा इधर लेवल अप हुआ है था ऑलमोस्ट, यहाँ पे 20 लेवल हो चुका है हम लोगों का ऑलरेडी। यहाँ पे हमने फिर से शुरू किया, अब हम लोगों को थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। यहाँ पे एक और लेवल अप आ गया मेरा, 21 लेवल हो गया हमारा। सो यहाँ से 200 मीटर दिखा रहा, तो यहाँ से रनिंग करते हुए जाएंगे हम लोग। पानी में थोड़ा बच के जाना पड़ता है। यहाँ से 200 मीटर, 180 हो गया ऑलमोस्ट, जा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे मुझे नोट्स का लोकेशन मिल गया, तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देख लेता हूँ कि अभी 6 गुना था हम लोगों का, तो मैंने यहाँ थोड़ा सा ट्रिक लगाया। तो मैंने कहा कि क्यों ना यहाँ पे एक और इसको अवॉर्ड करके और नोट्स का लोकेशन पता कर लूँ। तो यहाँ पे एक और नोट दिखा रहा था जो करीब करीब 1 किलोमीटर या 1.1 किलोमीटर दूर था। मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने एक बेड लगा दिया ताकि यहाँ का लोकेशन हमें पता चलते रहे। तो इससे क्या होगा कि जब हम लोग नया नोट्स लेंगे तो हम लोगों का एएचपी गेन जो है 12 गुना हो जाएगा। जब 12 गुना हो जाएगा तो हम लोग जैसे ही 12 गुना हो जाएगा हम लोग दूसरा नोट्स खोल लेंगे उतनी ही देर में, तो हम लोगों को 12 गुना एएचपी मिलेगा। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाया और यहाँ पर हमने सेव अप कर लिया। और अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जो नोट्स है इसको खोलेंगे नहीं अभी, अभी हम लोग चलेंगे दूसरे नोट्स के यहाँ, वहाँ से नोट्स उसको खोल के आएंगे, फिर उसके बाद उसको इसको खोलेंगे। तो चलते हैं यहाँ से, मैं यहाँ पे वीडियो थोड़ा फास्ट कर देता हूँ। तो यहाँ से हम लोग कुछ नेसेसरी चीज़ें लेंगे जब हमें ज़रूरत पड़ेगी आगे चलती, क्योंकि आगे का एरिया काफ़ी डेंजरस है। यहाँ पे हम लोग लेवल 21 हो चुके हैं, यहाँ पे मैंने क्राफ्ट कर लिया है। अब यहाँ से कुछ चीज़ें ले लेंगे जल्दी जल्दी से, क्राफ्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। हो सकता है हमें इसकी आगे ज़रूरत पड़े, इसलिए मैं यहाँ से जल्दी जल्दी कर लेता हूँ इसको।
ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है, एरिया काफ़ी ख़तरनाक है, खास करके जब ये पॉन्ड के पास में रहता है, आजू बाजू एरिया काफ़ी डेंजरस रहता है। ओ मैं भैया कोई दिक्कत नहीं, मुझे वापस जाना पड़ेगा ऊपर की तरफ आया था लोकेशन मेरा 300 मीटर ये दिखा रही है भाई साहब। इसी तरह खतरनाक खतरनाक अगर एक बार उड़स ले तो फिर उसके बाद तक है, इसलिए मुझे इसकी ज़रूरत पड़ी थी। बचते बचते फिर उसके बाद चलते हैं। अब यहाँ से मुझे नोट्स का लोकेशन 100 मीटर बाद खोजना पड़ेगा अपने से, फिर उसके बाद यहाँ से नोट्स का लोकेशन लेने के बाद, नोट खोल लेने के बाद वापस चलेंगे हम लोग जहाँ से हम लोगों ने बेड रखा था जहाँ पे, फिर वहाँ पे चलने के बाद ये देखिए अभी मेरा 6 गुना दिखा रहा है यहाँ पे एक्सपी गेन। यहाँ पे नोट्स खोलते हैं, नोट्स आस पास होना चाहिए, पर पहले इन लोगों को मार दें, ये सब बाद में परेशान करते हैं। एक बार मेरे डेड हो गया, एक और यहाँ पे इसको मारते हैं, नहीं लगा, अब लगा, मर गया ये भी। अब खोजते हैं नोट्स का लोकेशन, आजू बाजू दर ही रहना चाहिए, कहीं क्लोज में ही है, देखते हैं आगे की तरफ है। अब ये हमारा नोट्स मिल गया, यहाँ पे हम लोग ये नोट्स ले लेते हैं और फिर हमें वापस वहीं पे रन करना पड़ेगा जहाँ पे हम लोग पिछली बार से बीट रख के आए थे, वहाँ पे चल के अब दूसरा नोट्स लेंगे हम लोग। यहाँ पे मेरा 12 गुना दिखाने लगा, 12 गुना दिखाने लगा मेरा, देखते हैं कितना लेवल अप हुआ है। 22 लेवल ऑलरेडी हो चुका है, 4 लेवल फिर से हुआ है और ये हमारा 4 लेवल और हो गया, हम लोग 26 लेवल के हो गए। अब हम लोगों को वापस फिर से रनिंग करके जाना पड़ेगा, तो मैं रनिंग का वीडियो यहाँ से कट करूँगा। और ये हम लोग वापस आ चुके हैं और मैंने दोबारा नोट्स खोल लिया 12 गुना फिर से, देखते हैं अब कितना लेवल अप हुआ है। ये खुला, हम लोग ऑलरेडी 26 लेवल के, फिर से 4 लेवल अप हुआ है। जितना आगे बढ़ता जाएगा उतना हार्ड लेवल होता जाएगा लेवल अप करने के लिए, तो यहाँ पे इधर उधर करके लेवल अप कर लेते हैं थोड़ा बहुत। अब इसके बाद मैं जो है थोड़ा सा बहुत क्राफ्टिंग करूँगा, फिर उसके बाद टेमिंग करूँगा और बिल्डिंग करूँगा, उसके बाद फिर उसके बाद लेवल अप करना फिर से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैं लेवल अप को पॉज करूँगा और यहाँ पर बिल्डिंग करूँगा, बिल्डिंग बनाना स्टार्ट करूँगा ताकि जो मैं टीम करूँगा उनको रख सकें। तो यहाँ पर कुछ नेसेसरी आइटम खरीद लेता हूँ मैं। राइट, हम लोग फिर से वापस आ चुके हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे तक 30 लेवल हो चुका हूँ और मुझे यहाँ पे टीम दिखा काफ़ी अच्छा क्लियर था, मैं उस टाइम में इसलिए टीम करते हैं पहले। तो मैंने यहाँ पे स्मूदी वगैरह रखी बट मुझे यहाँ तक दिखा ये लगा डिस्ट्रॉय करने, तो मैंने कहा रुको पहले इसको ही टीम कर लेते हैं, उसके बाद फिर देखा जाएगा। तो यहाँ पर मैंने जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी मैंने उसको क्राफ्ट किया धीरे धीरे। यहाँ पे बेंच वगैरह लगाया, मुझे देखा यहाँ से एरो वगैरह मिल जाएगी टॉक्सिक एरो, तो यहाँ से हम लोग कर लेते हैं जल्दी से। मगर ये पीछे से मारे जा रहा है, मौका ही नहीं दे रहा था क्राफ्ट करने का। तो यहाँ पे वीडियो थोड़ा सा फास्ट में करते हैं, फिर उसके बाद इसको नॉकआउट करेंगे और फिर उसके बाद इसको टेमिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये गिर चुका है, अब यहाँ पे गिर चुका है, हम लोग देखते हैं ये लेवल 10 का है, काफ़ी लेवल है, कोई बात नहीं, मैंने ऐसे ही ऐसे इसको मस्ती
बाद में इसको आइडेंटिफाई करें। यहाँ पर मैंने स्मूथ ब्लेम और न्यूज डाल दिया था, क्योंकि टीम होना इतना बोले तो इसका परसेंटेज काफ़ी लो चाह रहा था, मतलब बहुत धीरे धीरे टीम होना था। और मेरे दिनों के बावजूद ये कुछ टाइम लगा, तब तक मैं यहाँ पे बिल्डिंग बनाना स्टार्ट करूँगा। मैंने बिल्डिंग का तो वीडियो उसमें नहीं दिखाया है, छोटा सा बिल्डिंग बनाऊँगा ताकि यहाँ पर काफ़ी वो रख सकें, बेड वगैरह रख सकें, और जो जितना भी टीम करूँ मैं यहीं पर छोड़ते जाऊँगा उन सभी को। तो बिल्डिंग की वीडियो तो मैंने अभी नहीं चढ़ाई है, तो बिल्डिंग वीडियोज में तब कर दूंगा मैं। तब तक बना ही रहा था, तब तक यहाँ पे एक दो और आ गए टेंक करने के लिए, तो मैंने रखे हैं उन लोगों को भी इसी साथ टेंक कर लिया जाए। तो यहाँ पर ये ट्रेन हो चुका है, अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मार्क टेक लिया, अब हम लोग इन दोनों को भी ट्रेन कर लेंगे। तो यहाँ पे ये ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दिया है, इसके लिए हमें कुछ वेट करना पड़ेगा। अब रह गया था एक राइट साइड वाला जो मैंने नॉकआउट करके रखा था उसको, उसको भी ट्रेन करना था, तो मैंने कोशिश किया, बट वो उसके लिए क्या था कि तो यहाँ पे मैंने इसको केबल दे दिया, यहाँ पे एक ही केबल में काफ़ी तेज फास्ट तरीके से टेम हो गया। तो हम लोग आ चुके हैं फिर से वही वापस नॉर्थ एक्सप्लोरर पे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सिक्योरिटी के लिए
स्पाइक वगैरह बिछा दी ताकि ये सब दूर न बचाएँ और कोई अटैक करे तो वापस दूर न बिखर जाएँ, फिर खोलना पड़े। तो यहाँ पे सब कुछ हो गया। मैंने यहाँ पे फिर से नोट्स एक्सप्लोर करना चालू कर दिया और यहाँ पे करीब 1 किलोमीटर दूर दिखा रहा, तो मुझे यहाँ पे ड्रॉप दिखा, तो मैंने सोचा देख लेते हैं ड्रॉप में क्या है। पहले इन सभी को मार देते हैं। तो यहाँ पर मैंने ड्रॉप में देखा, मेरे को काम लायक कोई भी चीज़ नहीं थी, तो मैंने ड्रॉप नहीं लिया, मैंने छोड़ दिया ऐसे ही। तो हम लोग अब अपने नोट्स की तरफ चलते हैं आगे की तरफ। तो वीडियो में थोड़ा सा स्पीड अप में डालूँगा। सो हम लोग आ चुके हैं ऑलमोस्ट क्लोज में। पिछली बार हम लोगों ने यहाँ से एक नोट्स लिया था, तो दूसरा नोट्स का लोकेशन मुझे पता नहीं चल पाया था, तो फिर से वहीं वापस लेके आया मैं। यहीं आसपास कहीं एक और नोट्स है, तो हम लोगों को उसको खोजना है। खोजने के बाद देखते हैं कितना लेवल अप होता है फिलहाल में। तो हम लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा खोजना पड़ेगा। तो ये रहा नोट्स, हम लोगों को नोट्स मिल गया। देखते हैं कितना लेवल अप होता है इससे। हम लोगों को नोट्स मिल गया हमारा। तो अगला नोट्स हम लोगों को 5 मिनट बाद मिलेगा। ये 7 लेवल अप हुआ है, ये तो ये क्रिचर का लेवल अप हुआ है। हमें माउंट शूट करना पड़ेगा, उसके बाद पता चलेगा हमारा कितना लेवल अप हुआ है। तो ये ऑलरेडी मेरा 37 लेवल हो चुका है और यहाँ पर मेरा 2 लेवल अप हुआ है। तो यहाँ पे मैं इन दोनों को लेवल अप कर लेता हूँ। अब यहाँ से लेवल अप हो गया, तो अब हम लोगों को कुछ टाइम बाद आएगा फिर से नोट्स खोजने के लिए। ऑलरेडी नाइट होने वाली है, तो नाइट की अब कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, नया पैराशूट ऑन करते हैं। Thank you.
तो यहाँ पे खोजने में थोड़ी सी दिक्कत तो हो रही थी, बट कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मुझे एक और रैपर दिख गया था, यहाँ पे इसने मुझे पकड़ लिया, यहाँ पे मैं छूटा और फिर उसके बाद में मैंने इसको किल कर दिया। और यहाँ पे हम लोगों का दो हो चुका है, दो और खोजना है। और यहाँ पे हम लोगों का फाइनली रैप्टर हंट कंप्लीट हो चुका है। देखते हैं कितना लेवल अप हुआ है हमारा, 39 था, 3 लेवल अप फिर से हुआ है। तो हम लोग इसको लेवल अप कर लेते हैं जल्दी से। मैंने फिर से शुरू किया है नोट एक्सप्लोरर का काम, और यहाँ पर हम लोग फिर से एक नया नोट्स के पास आ चुके हैं, और ये हमें मिल गया। ये यहाँ पे इसका लेवल 4 अप हुआ है, थोड़ा सा इसका लेवल अप कर लेते हैं, स्पीड बढ़ा लेते हैं और देखते हैं हम लोगों का कितना लेवल अप हुआ है। फिर से 2 लेवल अप हुआ है, 42 हुआ था, 42 टू 44 हो गया हम लोगों का। तो यहाँ पे हम लोगों का प्रो हंट करके एक नया पैरासूट था, तो यहाँ पे हम लोगों को कारनों को हंट करना था, 10 कारनों को। तो मैंने कोशिश किया था जहाँ तक मिल सके वहाँ तक गया, मैं काफ़ी देरी तक हंट किया मैंने, करीब करीब 7-8-9 तक गया। फिर उसके बाद यहाँ मैप में शो करना ही बंद कर दिया इसने। फिर उसके बाद मुझे वहीं पे और बोर्ड करना पड़ा ये, बट ये सब कंप्लीट करते करते यहाँ पे एक पैराशूट ये वाला कंप्लीट करते करते मैं 44 से 50 लेवल तक चला गया था। और ये वाला था हम लोगों का लास्ट कारनों जो मैंने यहाँ पे मारा। इसके बाद मुझे कारनों दिखना बंद हो गए, क्योंकि यहाँ से मैप से हट गया था, पता नहीं क्यों, अब ये ग्लिच था या फिर जो भी रहा हो, जिसकी वजह से मुझे ये मिशन अब आउट करना पड़ा। और यहाँ से हम लोग अब वापस बेस की तरफ चले जाएंगे। तो वापस जाते जाते हम लोगों ने काफ़ी लंबा सफ़र तय किया था, जिसकी वजह से यहाँ पे इसके लिए कुछ खाने के लिए भी चाहिए, आई थिंक फूड वगैरह चाहिए, तो कह सकते हैं ये मीट वगैरह नहीं खाता,
इसको ओनली रॉ फिश मीट ही चाहिए, अदरवाइज ये कुछ नहीं खाएगा। तो उसके लिए हम लोगों को ये हंट करना पड़ रहा पानी के अंदर। तो यहाँ पे कुछ देर हंट करने के बाद फिर वापस बेस की तरफ चलेंगे। तो गाइस ये हम लोग आ चुके हैं ऑलमोस्ट अपने बेस के पास, और ये हम लोग आगे बेस में। तो यहाँ पे आते आते हम लोगों का लेवल 50 हो चुका था। तो बताइए आपको कैसा लगा ये वीडियो। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा मैंने 50 से आगे की तरफ कैसे लेवल अप किया, और साथ ही साथ में यहाँ पे फीस वगैरह बनाऊंगा, क्राफ्ट करूंगा, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा लेवल अप होंगे। और यहाँ पे थोड़ी सी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए यहाँ पे गन वगैरह लगाऊंगा, डंजन का भी वीडियो वगैरह बनाऊंगा मैं। तो आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को, और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं।